वेलकम बैक। FPCCI ने अहदेदारान ने हुकूमत से शरह सूद कम करने का मुतालबा कर दिया है। अहदेदारान का कहना था कि अगली मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद 15% तक लाया जाए। शरह सूद कम होगा तो इंडस्ट्री चलेगी। तफसीलात नवीद राणा की रिपोर्ट में। FPCCI में मुनक्दा तकरीब में साबिक सूबाई वजीर SM तनवीर, आतिफ इकराम शेख और जकी एजाज ने खसूसी शिरकत की। जकी एजाज का कहना था कि इंटरेस्ट रेट 450 बेसिस कम करके 15% पर लाया जाए। इंटरेस्ट रेट कम होने से इंडस्ट्री को फायदा होगा। हमें इंडस्ट्री को चलाने दिया जाए, इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार के मौका मिलेंगे, इकॉनमी बेहतर होगी। हमारा इंटरेस्ट रेट इस वक्त 19.5% है, दुनिया में सिंगल डिजिट है। हुकूमत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये जो अभी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी पॉलिसी है इसको कम से कम 19.5% ये चल रही है, जो मेरे ख्याल 10% से ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम समझते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट भी एकदम अगर इतना कट डाउन नहीं कर सकती, बट मुझे याद है कि लास्ट ईयर मार्च 2023 में ये 17% था, तो एकदम 300 बेसिस का इन्होंने इंक्रीज किया था। SM तनवीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 10.5% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंटरेस्ट रेट कम करने से बाकी रह जाने वाली इंडस्ट्री चलाई जा सकती है। अगले हफ्ते जो मॉनिटरी पॉलिसी आ रही है इससे एक ब्रेक थ्रू होना चाहिए। आपकी जो मॉनिटरी पॉलिसी आ रही है उसमें फेडरेशन जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी लिखा, डिमांड करती है कि 400 बेसिस पॉइंट इमीडिएटली कम किया जाए। बाकी का जो हर 2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसमें किया जाए। आप जैसे ही ये कम करेंगे हमारी इंडस्ट्री चल पड़ेगी। SM तनवीर का कहना था कि 2030 तक 100 बिलियन तक एक्सपोर्ट का हदफ है। हमें इंडस्ट्री को चलाने दिया जाए, इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार के मौका मिलेंगे। कैमरामैन अली रजा के साथ नवीद राणा, News 1 लाहौर। मरी में मुल्क भर से आने वाले सयाह सैर करने के बाद अपने